काल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे कृष्ण। हाँ देखो आज हम लोगों का बात मत करो, बैठ जाओ। आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है जो कि बच्चे के शादी के उपलक्ष्य में हम लोग घर में आए हरि कीर्तन हरि नाम कर रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया 10 तरह का संस्कार होता है। 10 तरह का संस्कार, पहला जो संस्कार है, कोई भी हम काम को भगवान के नाम की माध्यम से करा जाए, इसलिए शास्त्र में बताए बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम सक्रीदपि परिगीतम श्रद्धया भृगुवर नर मात्र तारे ते कृष्ण नाम। इसका मतलब है कि जो भगवान का जो नाम है वो मीठे से भी मीठे है और मधुर से भी मधुर भगवान का नाम है। सकृत मतलब एक बार अगर किसी तरह से श्रद्धा नहीं तो हेला पूर्वक किसी तरह से अगर प्रभु का नाम लिया जाए कहते जन्म जन्मांतर का पाप को नष्ट कर देता है। इसलिए हमारे देश का नाम है भारत। नाम क्या है? भारत मतलब क्या है? बोले भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब हर समय जो प्रकाश का तरत में हर समय रत रहते हैं। इसलिए हमारा देश का नाम भारतवर्ष है, हैं? हर समय भारत का लोग अज्ञान का तरफ नहीं जो हर समय ज्ञान का तरफ में रहते हैं, इसलिए इनका नाम भारत है। इसलिए हमारे भारत में जो रीति रिवाज है ये पृथ्वी में कहीं नहीं है, केवल भारत में ही है। इसलिए जो पहला संस्कार है कहती है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार मतलब है जिस दिन बच्चा माँ के पेट में आए, अगर वो समय अगर बढ़िया समय हो ना कहते तो बच्चा बड़ा संस्कारी बनेगा, बड़ा विद्वान बनेगा, सभी की सेवा करेगा, सभी का आदेश पालन करेगा, जीवन उसका एकदम उजला उजला होगा। इसलिए भागवत में आती है कि जो दीति है वो ठीक शाम का समय में बड़ी सुंदर श्रृंगार की शीशा को सामने खड़ी होकर के बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए जब श्रृंगार कर रही थी इसके हृदय में संसार की वासना आई और ठीक शाम का समय था। वो संसार की वासना आया तो पति को सामने मिलने के लिए गए, कश्यप जी को साथ में, कश्यप जी मना किया बोले नहीं ये समय शंकर जी अपना भूत पिशाचों को लेकर भ्रमण करते हैं, अगर इसी समय तो मेरे से मिलोगे ना तुम्हारे जो बच्चा होगा अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गए थे जोर जबरदस्त उसने पति से मिली तो ऋषि बोले तुमने अच्छा काम नहीं किया, तेरे पेट में 2 राक्षस जन्म लेंगे, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से 2 राक्षस और जगत में इतने उत्पात मच, ऊपर बैठो तुम्हारे लिए हमारे तुम्हारे बैठो। हाँ देखो इधर सुना, इसलिए हम लोग देख इधर सुना, हम लोग कभी कभी कहते ना अरे साधु संग में क्या रखा है, कथा में क्या रखा हुआ। इसलिए आप देखो जब श्री भागवत कथा हुई उसमें परीक्षित महाराज कौन थे, आपके पास में कितने प्रॉपर्टी होगा, कितना धन दौलत होगी, वो पृथ्वी का राज्य तो कर रहे थे, वो छोटे मोटे चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब क्या, संपूर्ण पृथ्वी को पर राज्य तो कर रहे थे। भागवत अम्बरीश महाराज जी कथा सुना, संपूर्ण पृथ्वी को पर राज्य तो कर रहे थे। भरत महाराज संपूर्ण भारत को पर राज्य तो कर रहे थे। प्रहलाद ध्रुव संपूर्ण भारत में राज्य तो कर रहे थे। इतने बड़े राजा पृथ्वी के, लेकिन हम लोग कभी कभी सोचते ना अरे कथा में क्या रखा हुआ है, ये सब बेकार का बात है सबके सब, नहीं तो ये राजा लोग बैठ कर कथा नहीं सुनते हैं। पैसा तो हमारे पास में है लेकिन जो मन का जो शांति है ना वो कहीं नहीं है, जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा को तो पेटिक रोज रोज कर रहे हो लेकिन अगर अंदर में तोता है अगर खाना नहीं दोगे तो क्या होगा, मर जाएगा। हम तो ऊपर को जिम जा रहे हैं, चवन प्रास खा रहे हैं, बड्डी बना रहे हैं, लेकिन ये शरीर की भोजन हम दे रहे हैं, लेकिन जो आत्मा की भोजन नहीं दोगे ना भैया ये तोता मर जाएगी, ये तोता मर जाएगी। इसलिए क्या करो करो तो आत्मा की भोजन दो उसको। आत्मा की भोजन क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की नाम, भगवान की कथा है, भगवान की कथा। भगवान राम देखो, रामायण देखो, जब संत लोग आए बैठ करके भगवान राम स्वयं संत समाज में बैठे हुए और उनसे ज्ञान ले रहे हैं, उनसे ज्ञान की बात सुनते हैं, रामायण पढ़कर देखो। इसलिए कथा को ना साधारण मत समझो, अरे सब
सब औरतों का काम, गुजर के सब तो गुजर जी तो गुजरी, सब गुजरी भक्ति करते गुजर सब बस सब इधर उधर घूमते सब के सब, हर कभी कभी नशा बसा करके सारा दुनिया बिगड़ते है, इसलिए गुजरी सब अच्छी है, सब ये गुजर सब बिगड़ने वाले, ठीक है। इसलिए कथा को साधारण मत समझो, हैं? नहीं तो परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज है, वो छोटे मोटे नहीं है, छोटी घर का कोई राज्य होते नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के राजा। क्यों सत्संग जब नारद आते थे क्या करते थे, सारे काम को पीछे रख लेते थे, जितने सारे काम को पीछे छोड़ देते थे। क्यों? घर में संत आए हैं उनके चरणों में बैठो, ज्ञान की बात सुनो। क्यों? ये आत्मा को आहार यही है, आत्मा की खुराक ये है, शरीर को खुराक तो उसमें कुछ नहीं होता है, आत्मा की खुराक देनी चाहिए। आत्मा की खुराक तो भगवान की भक्ति, भगवान भजन। अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे, केवल शरीर को केवल आराम देने के लिए चाहोगे ना भैया, ये सारा शरीर सुखी नहीं रह सकता है, ये शरीर सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, हम तो ये तो कपड़ा है, हम तो आत्मा है। अगर आत्मा को भजन नहीं दोगे, केवल शरीर को ही साबुन से शैंपू से धोओगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे, जिम जाओगे, भैया ये ज्यादा देरी खुश नहीं रहेगा। इसलिए आत्मा की आहार भगवान की भक्ति, भगवान की भजन। अगर वो चीज दोगे ना, फिर तो ये आत्मा खुश रहेगी, तो बस मन भी खुश रहेगा, भजन भी खुश रहेगा, संसार भी तुम्हारी खुश रहेगी। इसलिए जो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, इसलिए कहते वहां पर कौन हुए, वो असमय में पति पति को साथ में जोर जबरदस्ती मिली, बोले तुम्हारे पेट में तो राक्षस से जन्म लेंगे, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप तो हुए। इतने जगत में टहलका मचा दिया, उनकी कथा सुने होंगी, इतने टहलका देवताओं को भी छोड़े नहीं, दुनिया को तो छोड़े नहीं, देवताओं को भी छोड़े नहीं, इतने टहलका मचा दिए। इसलिए जिस समय माँ के पेट में बच्चा प्रवेश करता है, अगर वो बढ़िया समय हो ना, अच्छा समय हो, और जिस समय वो मिले था शाम का समय में, शंकर जी भूत पिशाचों को लेकर के क्या कर रहे थे, घूम रहे थे भूत पिशाचों को लेकर के, उसी समय में ये गर्भ में बच्चा आया। इसलिए इतने आप भी देख लेना, कभी कभी बच्चा बड़ा आज्ञाकारी होता है, पिता माता की चरण छूता, उनकी बात पालना, देखना कभी कभी बच्चे इतने उद्दंड होते हैं, पिता माता बात नहीं सुनते एकदम, कभी कभी कहते ना पूर्व जन्म का शत्रु साथ बेटा बनकर घर में आ गया, ऐसे बोलते हैं ना। इसलिए जो पहला संस्कार है कहते गर्भाधान संस्कार है, जिस दिन बच्चा माँ की पेट में आया, अगर दीन बढ़िया हो बच्चा, तो दूसरा संस्कार कहते गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब क्या, जब पेट में बच्चे हो, अगर माता अगर रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, सत्संग सुने, वो बच्चा ठीक, माँ जो जो काम करती है ना, वो बच्चों के ऊपर वही संस्कार पड़ता है, वही संस्कार पड़ता है। इसलिए रामायण लव कुश का कथा देखे होंगे, जब लव कुश गर्भ में थे, अयोध्या में बड़े बड़े संत लोग आए, बोले देखो क्या भगवान की कृपा, देखो बोले सीते आज घर में सत्संग होगा, कितने बढ़िया है सुजोग है, अभी तुम गर्भवती हो, अगर इसी समय में संतों की संग करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो बच्चे बड़े असंस्कारी बनेंगे। अब रामायण देखना, जो लव कुश आती है, देखना सारे संत बैठे हुए, माँ सीता, राम, कौन भगवान, जगत जननी, वो भी सत्संग में बैठ कर कथा सुनती है, वो भी सत्संग में। लेकिन हमारे पास में थोड़ा बहुत पैसा हो जाए ना, ये सब बेकार काम है, भक्ति भक्ति सब बेकार काम। लेकिन पहले राजा महाराज लोग सब करते थे, भगवान राम स्वयं संतों की, अब देखना रामायण देखो, हर संतों के पास में जाकर ज्ञान की कथा सुनते हैं, ज्ञान आहरण करते हैं, जानते हैं शांति तो इसी से ही मिलेगी और इससे नहीं मिलेगी। देख लेना जब जब भगवान राम जो कुछ काम करते थे, बगैर वशिष्ठ के कोई काम नहीं करते थे, सबसे पहले गुरुजी के पास में जाते थे, गुरुजी अब ये करना है, गुरुजी अब ये करना है, गुरुजी हमें मार्ग दिखाओ, हमें मार्ग दिखाओ। इसलिए देश का नाम था अयोध्या, क्या नाम था, अयोध्या, मतलब क्या, जहां कभी युद्ध नहीं होता है, अवधा, जहां पर कोई मरते नहीं है, राम राज्य, मतलब वहां पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई दुख कष्ट वहां पर नहीं है, है? इसलिए दूसरा संस्कार होता है कहते ये गर्भ संस्कार। गर्भ में बच्चा रहते समय हमें इधर उधर की बात, उल्टा पुल्टा गंदी पिक्चर पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज जिस समय बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, बच्चों ने कहा प्रहलाद तो तेरे को ज्ञान मिली कहाँ से, हमारी गुरु जी तो ये सब कथा सुना है नहीं, तो जितने अच्छी अच्छी ठाकुर की भक्ति की बात बता रहे हो, बचपन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए, ये बात तो बताया नहीं है उनने, जो
प्रहलाद ने जो उपदेश दिया इतने बढ़िया उपदेश दिया, प्रभुपाद 108 बार उसको पाठ किया है, 108 बार पाठ किया। इसलिए प्रहलाद बच्चों को कहते, बोले बच्चों भगवान की भक्ति से जैसे तुम्हारी काम बनेगा, भगवान की भक्ति से जैसे शांति सुख मिलेगा बच्चों, और किसी को द्वारा शांति सुख नहीं मिल सकता, किसी को द्वारा शांति सुख नहीं मिल सकता। क्यों? हमारी जो जड़ का जो बीमारी है ना, हम भगवान को भूलने के वजह से ये कारागार में आए, इसलिए दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। फिर जब प्रभु की शरण में जाएंगे सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण देकर समझाते, आप भी समझो, जैसे तुम्हारे हाथ में एक फोड़ा हो गया, अगर उसको ऊपर में आप अगर मुलायम दो आइंटमेंट लगाओगे ना, देखना वो दूसरा जगह में फिर फड़ा होगा। अगर वहां पर उसमें कोई दवा लगाया, आइंटमेंट लगा, तीसरा जगह पर फिर फड़ा होगा, है फिर। लेकिन जड़ से देखो वो फोड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा ब्लड है खराब हो गया, इसलिए ये फोड़ा हो रहे हैं। अगर ब्लड को सही कर तो फोड़ा तो खत्म। कहते उसी तरह संसार में जितने दुख है, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, पड़ोस से दुखी, जितने सारे दुख का कारण है, भागवत कहते हैं तुमने भगवान को भूल गए, असली पिता को तुमने छोड़ दिए और नकली को साथ में संबंध तुमने जोड़ दिए, असली को संबंध खत्म और नकली को साथ में जोड़ दिए, जो एक दिन दुखी है एक दिन खत्म होने वाले। अगर सही शांति पाना चाहते तो प्रभु की शरण में जाओ। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे, भले ही सारा दुनिया चीज को इकट्ठे करो, शांति सुख मिलने वाले नहीं है। इसलिए इसको कहते गर्भ संस्कार। उसको बाद में गर्भ संस्कार के बाद में बच्चा फिर जन्म होता है, जब जन्म होता है उसको पास में जब तुम धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है ना, जब उसका फिर नामकरण संस्कार होता है, बच्चों का नाम रखते हैं। हमारे भारत में ये सारे संस्कार है। इसलिए ऐसे टुल्लू गुल्लू टिक्की पिक्की जो मुंह में रख दी नहीं, हमारे किस ज्योतिष के पास भी जाते हैं ना, कहते भैया इसको देखो, इसका इसी समय में ये हुआ, वो देखता है कौन सा नक्षत्र, कौन सा तिथि, कब ये बच्चा जन्म लिया है, फिर एक अक्षर निकालता है, एक अक्षर निकाल करके फिर नियम है क्या नाम रखने चाहिए, किसी संतों का नाम रखने चाहिए, नहीं तो किसी भगवान के भक्तों का नाम रखने चाहिए। अगर उसी समय में नाम रखोगे ना, फिर देखना बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ता है, अच्छे संस्कार पड़ता है, बारम्बार वो सुनता है ना, बारम्बार जैसे नारायण नाम, भागवत में नारायण नाम रख दिया, अजामिल बस नारायण बोलते बोलते अंतिम समय में नारायण नाम निकला, उधार हो गया, उधार हो गया। अब किसी बच्चे को आप देना उल्टा पुल्टा नाम रख दो, किसके पास रुद्र, उसका नाम उल्टा, बस देखो उसका स्वभाव कैसे बन जाता, रुद्र घूसा बड़ाता है, हैं? इसलिए जैसे नाम पुकारोगे ना, क्यों बारम्बार वो बच्चा उसी नाम को सुनता है, इसलिए उसके ऊपर वही संस्कार पड़ता है। अगर किसका नाम कृष्ण गोविंद दामोदर भगवान का नाम रख दिया, कम से कम जितना बार जिह्वा से निकली जिह्वा भी पवित्र, जिस घर में भगवान के नाम गुंजेगा घर भी पवित्र, वो बच्चा भी भगवान के नाम बार बार सुनेगा बच्चे का नाम भी पवित्र, सबकी पवित्र पवित्र है। कहते मंगल भवन अमंगल हरि। इसलिए जो नामकरण संस्कार है ये नियम है भगवान, नहीं तो भक्तों का किसी नाम रखो, टुल्लू बुल्लू टिक्की पिक्की विदेश में कुत्तों का नाम को नहीं धरानी चाहिए बच्चों को। अभी धीरे धीरे ये विदेशी संस्कार है ना, क्या हो रहा है, अब वृंदावन में जाओ देखो, अमेरिका लंदन फ्रांस रशिया के लोग वहां पर तिलक कंठी माला चोटी पहनकर हरिनाम कर रहे हैं। हमारे भारत के लोगों को देखो ये सब बेकार चीज है, और कहते हैं शायद विदेश में जाने पर सुखी हो जाएंगे, अब बोले अमेरिका जाने पर सबसे ज्यादा सुखी रहेगी। अब इंटरनेट खोल कर देखो, गूगल को सर्च करके 80% लोग तो डिप्रेशन में पड़े हुए, और डिप्रेशन नींद नहीं आती है, गोली खाने पर उन्हें नींद नहीं आती है, बड़ी सुखा जीवन है। अब तो गई नहीं विदेश में, विदेश गया हूँ, बच्चा 18 साल का हो गया, घर से निकाल देते, बस जा घर से कमा खा, कोई संबंध नहीं, और बूढ़ा हो गया ओल्ड हाउस में डालकर चले जाते, कोई देखने वाले नहीं, साल में एक बार जाएगा बर्थडे में, बस हाँ थैंक्यू बोल के चले जाएगा, कोई नाती पोती कुछ नहीं, लगता है जैसे चकाचौंध, बहुत बड़ी चकाचौंध है, हैं, लेकिन अंदर में घुस कर देखोगे ना, इतने सुखापन है, इतने सुखापन जो सोच नहीं सकते। पति पत्नी दोनों खाने के लिए जाएंगे, दोनों अलग पैसा देंगे, एक एक पैसा नहीं देगा वो, दोनों अलग पैसा देंगे, हैं? बच्चे से लड़की पता नहीं कहाँ है, पता नहीं लड़की कहाँ, बेटा कहाँ उसको पता ही नहीं, खुद कहाँ खुद भी पता ही नहीं। मैं जाता हूँ विदेश में, सब देखता हूँ सब चीज को, बेकार जीवन है। वो ऊपर से दिखता है बड़े बड़े कोठी बाड़ी घर है, लेकिन अंदर में इतने खोखलापन जो सोच भी नहीं सकते। भारत में हैं
अपना मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरी भाई, मेरी बहन, अपना कोई विपत्ति में क्या होता है, जाकर उसको मदद करते, उसको है ही नहीं एकदम पूरा के पूरा, कुछ नहीं है सबके साथ, बड़े सुखा जीवन है, हैं? इसलिए अभी वो लोग नफरत होकर के ना, अभी इंडिया में आकर के हमारी गीता रामायण भागवत पढ़ते हैं, तिलक कंठी माला जप करते, क्यों? शांति सुख तो हमारे गुरु जी का बहुत सारे शिष्य है वृंदावन में रह रहे, सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन में, वृंदावन में आकर के कहते भैया यहाँ कम से कम राधे राधे राम राम तो सुनने को मिलता है, वहां पर तो कुछ भी नहीं सुनने को मिलता है, कुछ भी। अगर मैं जाता हूँ विदेश ना, एक महीना अगर हो जाता है मेरा दिमाग खराब होने लग जाता है, फिर किसी तरह से भारत में, मैं किसी तरह से जब भारत में आता हूँ भक्तों से मिलता कीर्तन करता फिर खुश हो जाता, एक महीना में ज्यादा रहो तो मेरा दिमाग खराब होने लग जाती है, कब भारत में जाए, कब? ये भारत भूमि एक दिव्य भूमि है जहां पर राम जन्म लिए, जहां पर कृष्ण जन्म हुए, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, जहां पर तीर्थ है, हैं? अब केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, क्या सुंदर सीनरी है, लोग चाहते चलो हम विदेश में जाए, विदेश घूमकर, कुछ नहीं विदेश, विदेश में सब बढ़िया था, हमारे भारत है। इससे कुछ दिन पहले मैं जो रशिया गया था, किसी कोई ऑफिस से उनको ले, 50 लोग गए थे रशिया, वो बर्फ का समय में गए थे, जब मैं आ रहा था रशिया से वो भी आ रहे थे, मैंने कहा भैया तुम लोग इधर इसलिए आए थे? बोले हमारे ऑफिस का तरफ से हमको ये रशिया में ले आए थे घुमाने के लिए। बोले कैसे चला? बोले बकवास बकवास, वो पैसा मिलता था हमारे बाल बच्चों को होता, हमारे कहीं भगवान के धाम में हमारे कहीं जाते ठाकुर का मंदिर दर्शन होता, हाँ चारों तरफ बर्फ पड़ा, -20 by 30 by -30 वहां पर कुछ है नहीं, बर्फ कोई है? अरे हमारे भारत में ठाकुर का दर्शन करो, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, धाम में जाओ, बढ़िया जगह है, बेकार हमको लेकर आए, पैसा बर्बाद हुआ है। इसलिए हमारा भारत जैसे कहीं स्थान नहीं है, हैं? इसलिए ये संस्कार कहते हैं नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार मतलब बच्चों का इधर उधर से कोई नाम नहीं रखा नहीं चाहिए, ठाकुर का ही नाम रखवाओ। उसके बाद होता है रुचि परीक्षा, रुचि परीक्षा मतलब क्या, जैसे बच्चा थोड़ा घुटन पर चलना सीख जाए ना, बच्चों के सामने सब अलग अलग चीज रख लेते हैं, अलग अलग चीज रख करके छोड़ देते हैं, और छोड़ करके जिस चीज को पकड़ता है उससे पता चलता है कि बच्चा का भविष्य क्या है, भविष्य क्या, अपने आप उसको पता चल जाता है। अगर पैसा को पकड़ेगा धनी होगा, तलवार पकड़ा तो जोधा जोधा होगा, उस सब चीज से ना अपने आप बच्चा का भविष्य उससे पता चल जाता है। इसलिए जब भगवान राम को छोड़े ना, भगवान की रुचि, राम की रुचि पर क्या हुई, उन्होंने अस्त्र और शास्त्र दोनों चीज को उन्होंने पकड़ी, इससे पता चला ये योद्धा भी होगा और बड़े ज्ञानी भी बनेगा, हैं? ज्ञानी भी। जब चैतन्य महाप्रभु का रुचि परीक्षा हुआ, उन्होंने सीधा सी भागवत ग्रंथ को उन्होंने जाकर आलिंगन किया, पता चला भविष्य में ये भागवत धर्म भक्ति को जगत में प्रचार करेगा। जब प्रभुपाद की रुचि परीक्षा हुई, उन्होंने भी श्रीमद भागवत ग्रंथ को जाकर उन्होंने स्पर्श किया और सारा दुनिया में भागवत धर्म को उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार करते आप जो कंठी तिलक पहन रहे हो अभी, वो महापुरुष की कृपा, इसको तो रुचि परीक्षा है। इसलिए हमारे भारत में जो जो कोई चीज हो, उसको बाद में जो बड़ा हो जाता है, फिर उसको फिर विद्या विद्या अध्ययन करते हैं। हमारे देश में जब सबसे पहले हम स्कूल में जाते थे, हमारे देश में स्लेट होता था, उस समय तो कागज पर भी नहीं था, उसमें ओम शब्द लिखते थे, हैं? नहीं तो और कहीं कहीं तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे करके तीन, पहले सबसे पहले जब वो पेंसिल पकड़ेगा, सबसे पहले ओम शब्द, नहीं तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन गोल करके हाथ में पहले पकड़ाया करते थे। और स्कूल में जो पढ़ाई होती थी, मास्टर लोग क्या पढ़ाते थे, हैं? भगवान के नाम। हम लोग संत बने कैसे, हमारे जो टीचर होते ना, रामायण महाभारत सब सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे बच्चों को, वाल्मीकि सब बड़े बड़े ऋषियों की कथा, और उसको सुन सुन करके ना धीरे धीरे बच्चों के अंदर में भी वही भावना आती थी। रामायण कथा सुनाते थे, कैसे सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छो, पिता माता की, हाँ सुनाते थे रामायण, प्रात उठ आई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमय माथा, ठाकुर सबसे पहले उठ करके पिता माता के चरण छूते थे, सुनाते थे। इसलिए दशरथ महाराज जब सैन्य किए, राम स्वयं चरण की सेवा की, ये सब चीज देख कर क्या संस्कार बढ़ती है, पिता माता की सेवा में करनी चाहिए, उनको सवेरे उठ करके चरण उनकी छूनी चाहिए, सास ससुर के चरण हमें छूनी चाहिए, जो बात बोलते हैं हमें पालन करनी, इसलिए बच्चों का तो संस्कार बढ़ता था, हैं? संस्कार। लेकिन अभी तो धीरे धीरे, हाँ जो क ख त्याग बोलते ना, क में क्या है,
कबूतर गांव में गधा बना दिया, गांव में पहले गणेश होता था। मतलब ये जो 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 हमारे जो उल्टा पुल्टा लोग है ना, ये धीरे 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 हमारे संस्कार को, हमारे संस्कार को धीरे धीरे सब नष्ट कर रहे हैं। सबके सब है, सबके सब नष्ट कर रहे हैं हमारे संस्कार को। पहले गांव में कृष्ण होता था, कभी कृष्ण नहीं है, है? इसलिए गांव में गरुड़ बोलते थे, ये गणेश बोलते थे, गांव में गधा कर दिए। मतलब धीरे धीरे ना हमारे अंदर में जितने कुसंस्कार को ला करके सब नष्ट कर रहे हैं। इसलिए उसको कहते थे उसको विद्या अध्ययन है। उसके बाद में जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता था, हाँ बच्चा होता था, जैसे आपके घर में उसके बाद में जन्य संस्कार होती थी, सबके सब जन्य पहनते थे। उसके बाद में जैसे अभी शादी के संस्कार, जैसे घर में शादी हो, अब लोग संतों से जुड़े हुए हो, इसलिए क्या कर रहे हो, भक्तों को बुला करके घर में हरि कीर्तन हो, हरि की कथा हो, जिससे हमारे बच्चे का मंगल हो। उसकी भगवान के नाम से कोई भी काम करे, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि है। इसलिए अभी हम ब्रज में, वृंदावन में, हम रूप सनातन मठ में हम रहते हैं, हमारी मंदिर को सामने किसी की शादी हो रही थी। अब सोच नहीं तो एक महीना से ही घर में रोज रोज कीर्तन, रोज रोज कीर्तन। मैंने कहा रोज कर किया कीर्तन? हाँ, बोला हमारे बेटी बेटा का शादी है। एक महीना से ही ठाकुर का कीर्तन करते थे, सब हर चीज में ठाकुर का कीर्तन करते थे। इसलिए संस्कार अच्छे बनता था, बच्चे अच्छे संस्कारी होते थे। इसलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसलिए कोई भी काम करो, क्या करो, अंतिम संस्कार भी यही है। जब अंतिम संस्कार होता है, तुलसी दे करके मुंह में गंगा पानी, तुलसी देते हैं, गंगा पानी और तुलसी देते हैं, जैसे इसकी सदगति हो, इसकी सदगति हो। और लास्ट में कोई तीर्थ में जाकर के स्नान कराते थे, गंगा जमुना हो स्नान कराया करते थे, उसको तिलक लगाया करते थे, तिलक लगा करके तुलसी देकर अंतिम संस्कार करते थे, है? इसलिए सारे जो संस्कार है ना, जो वैदिक संस्कृति है, इसको करने से आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अभी तो कोई आत्मा को मानने नहीं चाहता है आत्मा को। लेकिन अब यूट्यूब खोल कर देख लेना, आत्मा है कि नहीं। मैंने देख रहा था उसमें एक बच्चा कैसे जन्म लिया, बच्चा कैसे जन्म लिया, पूर्व जन्म की उसको कैसे याद है। वो बच्चा सारी बात बता रहा था, सर मेरे घर यहाँ, मेरे वहाँ पर बच्चे को लेकर गए, सारी बात बताया, मेरी आंटी है, मेरी पिताजी है, मेरी बात सारी बात को बताया। और फिर बताया कि जब मेरे, मैंने सारी बात सही सही निकला, जब मेरा शरीर छूट गया, शरीर छूट गया तो घर के सामने के नीम का पेड़ था, हम जाकर को नीम का पेड़ में बैठे रहता, लेकिन हमें कोई देखता नहीं था। और मैंने पता था हम घर में हम बैठे हुए, लेकिन मर गया ना वो आत्मा बैठी हुई, लेकिन हमको कोई देख नहीं रहे, लेकिन मैं सब चीज को देख रहा था, लेकिन हमें कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन 21 दिन तक मैंने अपेक्षा किया, बच्चा कहता है 21 दिन तक मैंने अपेक्षा किया, क्या तो कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 21 दिन के बाद में जब देखा कोई कुछ नहीं करते हैं, फिर हम जाकर नीम का पेड़ में बैठे, हवा की झोंक आया, लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। फिर उन्होंने बताया कैसे घर में किसी बच्चा का जन्म हो रहा था, मैंने कैसे प्रवेश करके कैसे मैंने सारे डिटेल्स बताया। जो हमारे भारत में होता है ना 21 दिन के बाद में शुद्धि क्रिया होता है, कई 13 दिन के बाद, वो सारी बात बच्चा सारी बात बता रहा था। इसलिए हमारे भारत में जैसे अस्थि लेकर गंगा में विसर्जन करते हैं, हैं, उसको पिंड देते हैं, उसके लिए कुछ अच्छे काम करते हैं, उसको आत्मा को शांति मिल जाती है, उसका आत्मा को शांति मिल जाती है। इसलिए हमारे जितने संस्कार सबके सब भक्ति युक्त संस्कार। इसलिए आप लोग गुजरी हो, बहुत भाग्य से गुजरी घर में जन्म हुए हो। गुजरी कौन? गोपियां हैं। गुजरिया खोल खिवरिया तेरे घर में आए हूँ। इसलिए गुजरी सब गोपियां हैं, हैं? इसलिए आप लोग जो सर के ऊपर जो कपड़ा रख कर बैठे हो, अभी आप लोगों ने इस संस्कृति को रखा करके बैठे हो, और धीरे 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 सब चीज हमारी खत्म होते जा रही, संस्कार हमारी नष्ट होते जा रहे हैं। और जितना मॉडल बन रहे ना, उतना ही दुखी, ये मत समझ सुखी, उतना ही दुखी है, हैं? लेकिन हमारी आप लोग समाज में ये चीज को आप रखा कर रहे हो, जो पर्दा करना है, जेट है, ये है, जो पर्दा कर रहे हो, ये हमारी पुरानी संस्कृति है। जब तक समझो ये संस्कृति हम बचा कर रखेंगे ना, तब तक घर में शांति सुख रहेगी, शांति सुख घर में रहेगी, नहीं तो घर में शांति सुख नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग के लिए ताली बजाओ, क्योंकि आप लोग गुजरी घर में जन्म रहे हो, और गुजरी घर में जन्म लेकर के ये सब संस्कार को आप लोग रक्षा कर रहे हो, है? ये सब संस्कार को रक्षा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, है? इसलिए सब नष्ट हो जाएगा तो डाइवोर्स वाइवोर्स देखो ना, भारत में 30-40% डाइवोर्स होना शुरू हो गया है, डाइवोर्स शुरू। अब तो गुजरी घर में
जल्दी जल्दी जो शादी कर देते ना, ये सही है, ये सही चीज है। पहले क्या होता था, बागदान बोलते तेरे बेटे के साथ में मेरे बेटी शादी हुई, बोल देते ना गुना की गौना ना, क्या बोलते उसको, गुना कर देते। हाँ ये चीज है ना, अच्छी चीज है, क्योंकि वो लड़की को दिमाग में बैठ जाती है मेरे पति है, और लड़का का दिमाग बैठ जाती है मेरी पत्नी है, इसको साथ में। फिर बच्चे बिगड़ते नहीं, बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। लेकिन लड़की अगर कितने लड़कों के साथ में घूम करके आएगी, लड़का घूम करके आएगा, शादी कहाँ टिकेगी, टिक क्यों नहीं रहे, टिकी, कारण यही है। इसलिए हमारे पहला संस्कार अच्छे संस्कार है, हैं, बेटी बड़ी हो गई जाओ अपना घर द्वार संभालो, अपना घर मकान संभालो, अपना काम करो, अपने घर में जाओ संभालो अपना घर को। पहले माताएं कहाँ इतने लिखी पढ़ी नहीं होती, इतना लिखी पढ़ी नहीं, स्कूल तो गई गई नहीं, लेकिन देखना संसार संसार बढ़िया चली गई, पूरा जीवन चली गई। अभी जितनी ज्यादा लिखी पढ़ी हो रही है उतना गड़बड़ी हो रही है, ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। तू जा मैं जा रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, थोड़ी सी कुछ हो गया ना, कोई किसी की बात को सुनने के लिए राजी नहीं, तू जा मैं जा रही हूँ, बड़े किससे की कमी। लेकिन पहले क्या होता था, नहीं पति कुछ बोल दिया सुन लिया, कोई बात नहीं हो गया है, बात खत्म हो गई। अभी ये सब चीजें नहीं होती, इसलिए आप लोगों ने ये संस्कार को रक्षा कर रहे हैं, उसमें धन्यवाद है। आप लोग संस्कार को रक्षा कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। इसलिए खूब भजन करो और भक्ति करो, और बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार डालो, अच्छे संस्कार डालो बच्चों को बड़े में, और जीवन में खुशी रहो और भगवान की भजन करो और हरि नाम क्या करो, ठीक है ना। जो माला लिए हो, देखो गुरु जी कहते थे, जब हम गुरु जी से माला ले रहे हैं, माला नहीं माला रूप में ठाकुर जी तुम्हारे पास में आए, कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, है? इसलिए गुरु जी कहते थे माला को भूखे मत रखा करो, भूखे मतलब अगर एक दिन माला जप नहीं किया तो गुरु जी कहते थे उस दिन ठाकुर स्नान नहीं किए, ठाकुर कपड़ा नहीं बदलाए, ठाकुर भोजन नहीं किए, क्योंकि भगवान माला रूप में तो ठाकुर जी आए ना हरि नाम रूप में। इसलिए गुरुदेव कहते खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को भूखा मत रखा करो। अगर जीवन में कभी सुखी बनोगे ना, इसी माला से ही, भगवान की भजन से ही सुखी बनोगे, और किसी चीज से, दुनिया में कोई चीज नहीं तुम्हें सुख दे सकता है। सबसे ज्यादा पैसा आ जाएगा सुखी होगा, रावण जैसे सोने की लंका, जिसकी पूरा सोने की लंका, बाथरूम सोना, किचन भी सोना, उसकी डाइनिंग रूम में सोना, सोना की महल, सोना की पत्नी, शायद अच्छे छोरी से शादी हो जाएगा, सुखी हो जाएगी। मंदोदरी जैसी पत्नी, अब रामायण पढ़कर देखो, हनुमान गया तो मंदोदरी देखकर मुग्ध हो गई, तो यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, यही तो माँ इतनी सुंदरी देख, इसलिए कहना मंदोदरी। मंदोदरी मतलब क्या, मंद मतलब पतली, उदरी मतलब कमर, विश्वकर्मा की बेटी थी, समस्त सदगुण देकर बनाई थी, एक पत्नी नहीं थी, स्वर्ग से जहां से उसको सुंदर से सुंदर स्त्री मिले वो पकड़ पकड़ करके उन्होंने साथ की थी, जहां गंधर्व भी अप्सरी जहां मिले वो पकड़ पकड़ कर जोर जबरदस्ती शादी किया था, एक नहीं कितने उसके थे, इसलिए कहते 1,25,000 जिसकी, 1,00,000 बेटा, 1,25,000 नाती जिसके थे, हैं, इतने संपत्ति, और मेघनाथ जैसे आज्ञाकारी बच्चा, लेकिन सुखी नहीं था। रामायण पढ़कर देखो, शंकर जी भगत है, शंकर जी है, भोले बाबा कदा सुखी भवा, हम जीवन में कब शांति मिलेगा, बेचैन मन कोई चैन नहीं, क्यों, कद हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर अभी तक इसको सुख नहीं मिला, लेकिन एक व्यक्ति केवल चैन से रह रहा था, कौन चैन से रह रहा था, विभीषण, क्यों, राम की भजन करता था, शरण में था। हनुमान जी पूरा लंका जला दिए, अब बताओ सोने में कहीं आग लगती है, बोलो सोने में कहीं आग लगती है, लेकिन हनुमान लंका कैसे जलाया, शिक्षा देते हैं, भले ही तुम्हारी सोने की संसार क्यों नहीं हो, अगर राम से विमुख रहोगे ना, वो सोने के संसार में भी आग लग कर राख बना देगा, लेकिन सबको घर जलाया, लेकिन विभीषण को घर छोड़ दिया, क्यों, राम की शरण में था, राम की शरण में था। जिस लंका को पाने के लिए रावण को 10 बार सर काट कर देना पड़ा, इसलिए उसका नाम दशानन है, 10 बार सर काट कर उसने दे दिया जिस लंका को पाने के लिए, लेकिन विभीषण कुछ भी नहीं किया, केवल राम के चरण में प्रणाम कर दिया, प्रभु तुम्हारी शरण है। अब रामायण देखो, उसमें भगवान राम कहते लंकेश, क्या कहते हैं, विभीषण बोले लंकेश, प्रभु मेरे को लंकेश तो कौन है, रावण है, आप मेरे को लंकेश कैसे कह रहे हो, बोले तुम मेरे शरण में आ गए ना, केवल तुम मेरे शरण में आ गए, इसलिए तुम आज से लंकेश बना दिया, और राज तिलक लगा दिया, समुद्र पानी से उनको अभिषेक कर दिया, आज से लंका का तू राजा, और वहां पर श्री
सुग्रीव था, सुग्रीव सुग्रीव था, बोले प्रभु क्या बोल रहे हो, अभी अब रावण को मारे ही नहीं, अब इनको लंका से कैसे बना दिया, अगर 1% रावण अगर आपके शरण में आ जाएगा फिर रावण को क्या दोगे आप, तो इस पहले ही विभीषण को लंका पद में अभिषेक कर दिया, फिर रावण को क्या दोगे, बोले रावण अगर शरण में आ गया ना मैं अपना अयोध्या दे दूंगा, बोले अयोध्या, बोले अयोध्या तो आप तो भरत को देख रहे आए हो, फिर भरत को क्या दोगे, बोले अपना वैकुंठ दे दूंगा, बोले भरत को वैकुंठ दे दोगे, रावण को दे दोगे अयोध्या और विभीषण को दे दोगे लंका, फिर आप कहाँ रहोगे, आप कहाँ रहोगे, देखो भगवान कितने दयालु, बोले मेरे को कोई स्थान की जरूरत नहीं, मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठा मे नारद, मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरी कथा कीर्तन करते, भक्त का हृदय मेरी गाय, बोले भगवान इतने दयालु ठाकुर जी, इसलिए अगर हम जीवन में सुख शांति पाना चाहते क्या करो, हरि का नाम भजन करो, हरि का जो माला मिली है ना माला को भी भूखे मत रखना, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ जरूर माला करते रहना, इसलिए हरिदास ठाकुर जी तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी प्रसाद देते थे, जगन्नाथ भी रोज प्रसाद ले आते थे, क्योंकि हरिनाम करते ना तीन तीन लाख है, इसलिए ठाकुर स्वयं उनको प्रसाद ले आते थे, क्योंकि जवन कुल में था नहीं जाते थे मंदिर में, प्रवेश अधिकार नहीं, ठाकुर स्वयं प्रसाद देते थे, जब उनके अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, अभी लेट हुए और धीरे 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, है हरे नाम कर रहे थे, इतने में महाप्रभु बोले हरिदास प्रसाद लो, बोले प्रभु जी आज मैं प्रसाद नहीं लूंगा, बोले क्यों, बोले रोज रोज में जो तीन तीन लाख हरिनाम करता था आज मेरी संख्या नाम ही पूरी नहीं, तीन लाख कितने में होता है, सोलह माला में अगर सोलह माला करो तो कितना 25,000 नाम होता है, चार बार सोलह करो तो 1,00,000 और ऐसे 3,00,000 हरिनाम करते थे, और 1,00,000 नाम तो जोर जोर से करते थे, 1,00,000 हरिनाम करते थे जो कान तक सुनाई पड़े, और 1,00,000 मन मन में करते थे, बोले हरिदास अभी तो वृद्ध हो गए, अभी शरीर छोड़ने वाले हैं, बोले तुम तो बूढ़े हो गए वृद्ध हो गए, सारा जीवन तुमने तीन तीन लाख हरिनाम किया, अभी तो वृद्ध हो गए थोड़ा हरिनाम कम करो, देखो क्या कितना अच्छी बात कहते, बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान, बोले शरीर चंगा है शरीर कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन जो मन है ना ये मन बड़ा असुस्त है, मतलब ये जो मन है यही हरिनाम करने नहीं देता है, लेकिन वैसे मेरे शरीर तो अच्छा है, देखो ये हमें ये शिक्षा देते हैं, हम लोग का तो शरीर अच्छा रहता है लेकिन जो मन है ना इतने दुष्ट है, देखना 3 घंटा अगर कोई सीरियल आए ना टीवी 3-3 घंटा बैठ बैठ देख लेंगे, अगर स्मार्टफोन में लगे तो दिन रात पता नहीं चलता समय कहाँ चली गई, अगर कुछ कुछ माताएं अगर इकट्ठे होकर बैठ जाए ना उसकी बहू ऐसे की उसको सास के साथ बन नहीं रहे उसको घर में ये झगड़ा, देखना पता नहीं कैसे कैसे समय जैसे हमारी कैसे कैसे समय हमारी बीत जाती है, हमारी समय इधर उधर समय हमारी बीत जाती है, लेकिन जब बोले भगवान का नाम जब करो ना बोले समय कहाँ है, इसलिए बोलते समय कहाँ है, देखो ये सब क्या हरिदास ठाकुर क्या सिखा देते हैं, ये कौन है, ये प्रहलाद और ब्रह्मा ये दोनों मिलकर हरिदास ठाकुर ये सिखा देते हैं, देखो समय मिले तो इधर उधर समय मत बिताया करो है, इसलिए प्रभुपाद कहते थे जो हमारे गुरुजी प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लेकर ना ये मन को 100 बार पीटो, वो कहते थे ये मन को पीटो क्योंकि हर चीज में के लिए समय दे देता है, लेकिन जब प्रभु की भजन की बात बताओ तो हजार बहाना, लेकिन शांति मिली किस में, प्रभु के नाम में शांति मिली है, हरे मतलब क्या है समस्त दुखों कष्ट को जो हर ले, कृष्ण मतलब क्या है मन चंचल भटकता है मन को शांति नहीं मिलती है, कृष्ण नाम क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना, अगर कृष्ण बोलोगे तो भटक तो ही है मन तुम्हारी नहीं भटकेगा शांति मिलेगी, राम मतलब जीवन में आराम मिलेगा, जीवन में हम तो यही तो चाहते ना, वो क्या चाहते हो शांति सुख आराम तो जीवन में तो यही चाहते ना, वो क्या चाहते इससे सिवाय तो कुछ चाहते नहीं, लेकिन मिलेगा कब, बोले हरि का नाम से, इसलिए सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया, ठीक है ना, इसलिए हरिनाम को ठीक से करना, जो तिलक लगाते हो तिलक को ठीक से लगाएगा,
तिलों को साधारण मत समझो, इसलिए पुराण में बताया ऊर्ध पुंड्र धर्म भक्ति है। ऊर्ध पुंड्र धर्म भक्ति जो व्यक्ति ऊर्ध पुंड्र धारण करते हैं, सोपा कवि विमानस्त मम लोक मही हस्त, भगवान कहते अगर चंडाल क्यों नहीं हो, अगर वो तिलक धारण करता है कहते वो क्या होता है, कहते मेरे धाम गमन करता है, मेरे धाम आता है। हैं जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं उसके शरीर में गया गंगा पुष्करणी च नित्य बसे तस्य तेजस्य पद्मा कित तनु, जो व्यक्ति शरीर में तिलक धारण करते हैं उसको शरीर में गंगा जमुना सरस्वती पुष्कर सब नदी स्नान करते हैं। हैं कहते लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा है नित्य तस्य बसे तेजस्य पद्मा कित तनु, जो तिलक धारण करते हैं उसके शरीर में माँ लक्ष्मी की सरस्वती की दुर्गा की सावित्री की राधा रानी उसके शरीर में निवास करते हैं, जिसको शरीर में पद्मा की तनो है। देखो भगवान राम को देखो तिलक लगाए, भगवान कृष्ण को देखो तिलक लगाए, भगवान हैं नारायण को तो आधा मुंह तिलक में, आधा मुंह उसकी तिलक में आधा मुंह भरा हुआ है। हनुमान जी को देखो गणेश 33 करोड़ में कोई भी देवा देवी को देखोगे ना बगैर तिलक के कोई ठाकुर भी नहीं रहते, इतने तिलक की अर्थ हम लोग लो तिलक लगाते हैं। गोपी चंदन है ये द्वारका से आता है, जहाँ तक नहीं मिलता है, ये ब्रज धूली नारद जी इसको लेकर के द्वारका गए थे, वहीं पर ठाकुर जी स्नान किए, वहां पर गोपी तालाब है, गए हो कोई तो बोलो, माता जी गई वहां पर एक गोपी तालाब है, ये मिट्टी कहीं नहीं मिलेगा, वो मिट्टी केवल वही मिलती है, इसलिए वो वही से ये तिलक वहीं से आती है। इसलिए हम लोग जरूर तिलक लगाया करना, ठीक है ना, फिर जो तिलक दर्शन कर लेता है ना कहते उसको ठाकुर दर्शन करने का फल मिलता है, जो तिलक दर्शन कर लेगा ठाकुर दर्शन करने का फल मिलता है, क्योंकि जो तिलक है हरि मंदिर। देखो ये पुराने बता दीजिए, ये ब्रह्मा ये बीच में विष्णु ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास, और ये दो ठाकुर का दो चरण है उसका नीचे, देखो जैसे तुलसी बताए ना ठाकुर के चरण हमने तुलसी दल दिया है, यहाँ पर बताए अगर किसको शरीर में तिलक है, किसी शरीर में तिलक है कभी नर को व्यक्ति नहीं जाएगा, कभी नर्क नहीं, कहते हैं सुपा को भी भगवान खुद कहते हैं जिसके शरीर में तिलक है चंडाल क्यों नहीं हो मेरे धाम को गमन करेगा। एक समय देखो एक संत की कथा सुन लो, एक समय जैसे हम तिलक लगाते ना हाथ में पानी रख करके ऐसे घिसते हैं ना, एक संत किसी तालाब में स्नान किया, स्नान करके ऊपर में आए और हाथ में पानी रख करके तिलक घिसा, जब घिसा कभी कभी देखना नीचे भी गिर जाती है पानी, गिर जाते हैं वो तिलक नीचे उसका पानी गिर पड़ा था। एक समय दो राजा में युद्ध हुई, जो धर्म युद्ध करते करते वहीं पर युद्ध हुई, एक राजा दूसरे के गला को काट दिया, जब गला काट दिए उसका जो सर है वो तिलक ऊपर गिरा, ये तिलक ब्रज रज है राधा रानी के चरण धूलि है। वो होते जब व्यक्ति नरक में गया नीचे आग जल रही है ऊपर में तेल खौल रहा है, लेकिन जब उसने उसी तेल कढ़ाई में डाल दिया ना एकदम ठंडा हो गया, वो गर्म तेल एकदम ठंडा हो गया, जब महाराज बोले ये क्या हो रहा है, तेल तो खोल रहा था उसको छोड़ दे ठंडा कैसे हो गया, कारण है अंतिम समय में जब शरीर छोड़ा उसका जो सर जहां पर गिरा था वहां पर ये गोपी चंदन वहां पर था, वो अंतिम समय में गोपी चंदन के ऊपर शरीर गिरा सर गिरा, इसलिए नरक में जाने पर भी शास्त्र के दर्शन पा कभी महियत मम लोक कमेती, इसलिए चंडाल क्यों नहीं हो अगर ये तिलक धारण करता है भगवान के तो मेरे लोक में आएगा है, इतने महिमा तो कृष्ण क्यों धारण करते, लेकिन दुर्भाग्य की बात हमें शर्म लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण को शर्म नहीं लगता, राम को शर्म नहीं लगता, नारायण को शर्म नहीं, हनुमान के निकले हमें शर्म लगता है, हम तिलक कैसे लगाएंगे, दुनिया हमें क्या बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेगा लोग नहीं भगवान किसी में संतुष्ट ना, वो चीज को देखो, और गले में जो तुलसी कंठी, इधर सुनो ये तुलसी कंठी की कितने महत्व है, ये तुलसी कंठी एक समय एक मुसलमान जा रहा था हठात तीन जमदूत को खड़े हुए, पुरानी कथा, तीन जमदूत को देखा भयंकर रूप उनकी, वो मुसलमान देख रहे ये कौन कहां से भागे वहां से, तीन जमदूत बोले भैया मत जाओ तू अपना रास्ता पर जाओ, बोले तुम लोग है कौन, बोले हम तीन जमदूत है, बोले यहाँ पर क्यों आए हो, बोले जीव जो कर्म करता है काय मन और भाग्य ये तीनों के द्वारा कर्म करता है, इसलिए मरते समय तीन जमदूत हम लेने के लिए आए, बोले भैया यहाँ कोई मरने वाला है, कहता हाँ थोड़ी देरी बाद में किसान बैलगाड़ी में आएगा, जब यहीं पर आएगा कि बैल ने गले से रस्सी तोड़ करके भागेगा वो बड़ा क्रोध में होगा, जब किसान उसको पकड़ने के लिए जाएगा वो सींग से उसको पेट को मार देगा फाड़ देगा वो मरेगा, हम लेने के लिए आए,
तब वो मुसलमान खड़ा हो गया देखने के लिए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, देखा सचमुच से बैलगाड़ी आ रही। और जब ठीक वहीं पर आए, बैल ने बिगड़ते हुए रस्सी को तोड़े भागे, जब किसान पकड़ने के लिए गए ना, मारे सींग में, पेट में मारे तो फाड़ दिया, वहीं पर उसको गिरा दिया। लेकिन जब गिरा दिया ना, वो तुलसी की बगीचा थी, अंतिम समय में उसका शरीर तुलसी पेड़ में ही प्राण छूटा, सो पेड़ के ऊपर गिर पड़ा। गिरते ही वैकुंठ से तारे विष्णु दूत आ गए वैकुंठ से, और जो तीन जब जमदूत थे ना, भाग गए प्राण को लेकर के। और इतने में रथ आया, वो व्यक्ति विष्णु दूत का रूप धारण करते हुए सीधा वैकुंठ चला गया। जब चला गया, इतने में वो जो मुसलमान चीज को देखा, देख करके वो जो भाग गए तीन जमदूत आए, तो मुसलमान ने कहा, भैया तुम तो जो बोल रहे थे सही था, लेकिन जो अंतिम दृश्य तो बड़ा अलग था। ये रथ कहां से आया, दूत कहां से आए, ये सब क्या है? बोले अंतिम समय में इसको जो गिरा दिया, पैचास तुलसी वृक्ष के ऊपर में उसने गिरा, सारी गिरा तो उसकी मुक्ति हो गई। वैकुंठ से रथ आकर चले, बोले तुम क्यों भागे? बोले ये अजामिलिका समय पर जब हम आए थे ना, बड़ी लड़ाई हुआ था विष्णु दूत से, उन लोगों ने हमें मार मार कर भगा दिया था, इसलिए उनको बहुत डरते हैं, जो जहां पर आते हैं हम वहां नहीं आते हैं। मुसलमान ने ये चीज को देख करके उसने आए, और उसने तुलसी की लकड़ी था अपना हाथों से काटा, काट करके उन्हें माला बनाया और गले में पहना। हिंदू लोगों ने बोले, भैया ये तो हिंदू लोग गले में कंडी पहनते, तू क्यों पहनते हो? उसने कहा, मैंने अपना आंखों से मैंने ये चीज को देखी है, ये तुलसी की कितने महत्व, मैंने अपना आंखों से मैंने ये चीज को देखा है, इसलिए गले में अगर तुलसी कंठी हो तो भैया जमदूत तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगी। और तुलसी में तो अभी कोरोना आया था ना, जो कोरोना लिए राम तो मैंने बनाया, उसमें पढ़ करके देखो 80% तुलसी था। अगर दो दो तुलसी पत्ता कोई खाएगा तो कभी उसकी हार्ट अटैक बीमारी नहीं होगा। जैसे स्नान करो तो गले की कंठी माला सारा शरीर में जाएगा, सारे पाप शरीर से निकल जाती है, सारे तीर्थ में स्नान हो जाती है, बड़ी बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। और तुलसी कौन है? लक्ष्मी साक्षात, जैसे सालग्राम के साथ में शादी होता है ना, ये लक्ष्मी है। और ये तुलसी में भगवान कृष्ण का निवास है। जब भगवान जा रहे थे, अपने आप को कहाँ रख कर गए? तुलसी वृक्ष में रख कर गए। हाँ, इसलिए गले में कंठी मतलब है लक्ष्मी नारायण गला में निवास है। और जमदूत कभी तुम्हें ले नहीं जाएगा, इसलिए ठीक है, गले में तो सोने की हार पहन देते, गले में तो सोने की कभी कभी हार पहन लेते हैं, लेकिन कभी कभी तुलसी कंठी तो हम नहीं धारण करते, ठीक है ना? इसलिए क्या करो, गले में तुलसी की कंठी पहना करो, और हरि नाम करो, तिलक लगाओ, बस ये तीन चीज हो तो बस, ये पासपोर्ट वीजा और ये टिकट है भगवान के पास में जाने के लिए, पासपोर्ट वीजा और टिकट है, और ये तीन चीज रहेगा तो हम भगवान की धाम में पहुंच सकते हैं, ठीक है? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम। दो मिनट कीर्तन कर दो, हाथ चले हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। एक बार खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक भजन गा लेना, नाचने का नाच लो, आज बच्चे का शादी, सब खड़े हो।